आपने थोड़ा एक मिनट, सब लोग ध्यान देना, एक मिनट का कॉन्सेप्ट है मेरे पास, देखो अब सुनना मुझे क्या पढ़ाने का है, कैश ये है, सुनो ये सीयू है और ये कौन है आप बताओ, प्रैक्टिस मामा जूम कर रहे हैं जरा, और सब लोग देखना ये जो प्रोसेसर है हर काम के लिए उसको मेमोरी चाहिए, तो कहां से जाके लाता है बेचारा, रैम के पास है। आपने कुछ भी गाना प्ले किया तो गाना कहां पे आता है, रैम में। तो बार बार यहां के अंदर के सीपीयू को, यहां के अंदर के सीयू को कहां जाना पड़ता है, अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, दूसरों के घर में। याद करो याद करो याद करो याद करो, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो बार बार पानी पीने के लिए किचन में नहीं जाते हो, अपने पास ही बॉटल रखते हो। अब ध्यान सुनना, ये बोलता है मुझे जो चीजें बार बार लगती है क्या उस चीज को भी लाने के लिए क्या मुझे रैम में जाना होगा, रैम का घर तो कितना दूर है, इसलिए मेरा मेरी स्पीड भले ही ज्यादा है पर इसकी वजह से मेरी स्पीड कम होगी, बिकॉज ये घर के बाहर है, बिकॉज ये मेरे घर के बार 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 मैं उस चीज को मांगता हूं जो चीज में बार बार लगती है। एक काम करो, मुझे भी अपनी खुद की मेमोरी दे दो थोड़ी, तो एक मिनट थोड़ी सी मेरी दे दो ताकि मुझे बार बार भीख ना मांगना, ए रैम दे, ए रैम आज की बाद में मां कसम तेरे घर नहीं आऊंगा। इधर आओ सुनो, अब क्या करता है, वैसे रैम तो 8 GB का है पर ये क्या बोलता है, मेरी थोड़ी सी 500 MB की जगह दे दो ताकि जो 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 चीजें मुझे क्या लगती है बोलो जल्दी से, बार बार लगती हो मैं रैम से नहीं उतनी चीजें मेरे पास ही रख के मेरे अंदर ही ले लूंगा ताकि मुझे बार बार रैम के पास जाओ, मैं रैम के पास नहीं जाऊंगा। कोई कुछ मत करना है एक मिनट के लिए, आप करोगे तो फेल हो जाओगे, कसम है मेरी आपको, आपकी तो कोई बात नहीं अभी जाते हैं यहां से, प्लीज आजा आजा बेटा जल्दी 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 आजा मुन्ना मुन्ना आजा आजा बेटा आजा बेबी आजा आजा बेबी आजा। आप बता दो क्या लिखा है सीपीयू के अंदर ही, देखो मेमोरी मेन मेमोरी मतलब कौन सी रैम है, अब रैम में कितने प्रोग्राम चल रहे हैं, 0 से लेकर 31 तक चल रहे हैं, पर बताओ हर चीज कैशे में नहीं आई, वो कैशे ऑब्जर्व करता है, अच्छा ये बार बार क्या यूज करता है, 26 से लेकर 31 यूज करता है, मतलब वो 26 से 31 वाली चीजें ही कैशे अपने बॉडी में गुजर लेता है ताकि जब भी मैं इनमें से कोई आइटम मांगू तो मेन मेमोरी से जाने के बगैर बता ना खुद के अंदर ही डेटा है। तो आपको मैं बताता हूं, ये देखो मेरे कंप्यूटर में अगर मैं यहां पे देखो, ये जो है ना ये मेरा कैशे है, ये 8 प्रोग्राम है ना, इनमें से कोई भी क्लिक करूंगा ना रैम से नहीं आएगा, बिकॉज ये वो 8 वेबसाइट है जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं। अगर मैं कोई भी अगर आईसीए खोल दूंगा ना भी आईसीए रैम से नहीं आया, रैम से नहीं आया, कैशे से आ जाएगा, इसलिए देखो कितना फास्ट है। बताओ इतने बताओ कैशे किसका मेमोरी है, प्रोसेस सीपीयू का अपना है ताकि उसको बार बार जो भी चीज चाहिए उसको, ताकि उसकी स्पीड पर उसके अंदर वही होगा जो हम लोग बार हर चीज को, क्योंकि कैशियर में वैसी जगह कम है, बताओ सही है क्या नहीं। तो हम अपने पढ़ाई करते समय अपने पास कौन सी चीजें रखते जो हमें जो कभी कभार लगती वो नहीं रखते, इज इट ओके गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेबी, ओके गाइस आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।